मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे भरल जायसवाल चैनल में। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजयनगर के रामपुर आउटपोस्ट अंतर्गत हिलटॉप और लचकुरा के बीच के रास्ते में एक पुल के नीचे से नाबालक का मृत शरीर को पुलिस के द्वारा उद्धार किया गया है। कुछ दिन पहले विजयनगर थाना अंतर्गत मां मंगला मंदिर चौक के पास से एक स्कूटी चोरी हुआ था। उसी चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को विजयनगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। झारसुआ जिले के 5 ब्लॉक के 9 जिला परिषद सीटों के लिए सब कलेक्टर ऑफिस में कांग्रेस ने अपने सभी कैंडिडेटों का पत्र दाखिल किए। थम नहीं रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में झारसुड़ा में आए 157 नए कोविड पॉजिटिव के मरीज। इसी के साथ झारसुड़ा में कोरोना के एक्टिव केस 1000 के ऊपर और पूरे उड़ीसा में 10,000 से भी ज्यादा कोविड पॉजिटिव के मरीज। झारसुड़ा डाकघर जिसे 1862 में शुरू किया गया था रिपब्लिक डे के लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि एक विरासत स्थल है। झारसुआ कलेक्टर ऑफिस के डीएमएफ हॉल में कल झारसुआ कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में आने वाले रिपब्लिक डे को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। बड़माल पुलिस के द्वारा 30 देसी शराब की पाउच ले जा रहे एक व्यक्ति को हिरासत में लिए। तलपटिया पुलिस के द्वारा दुर्लगा के पास 31 देसी पाउच जब्त किया गया है और उसके साथ साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बेलपहाड़ के जहाजवाड़ा में एक खुला हुआ सेफ्टी टैंक के अंदर एक सार गिर गया था। स्थानीय लोगों ने उस सार का उद्धार किया। बनरपाली थाना अंतर्गत अडाडीरी गांव के एक व्यक्ति को गलत भाषा के साथ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत बनरपाली थाने में दर्ज करवाई गई है। कुलाबरा ब्लॉक अंतर्गत परमानपुर के पंचायत कार्यालय में सरपंच पद के लिए अपना नाम नामांकन आके कर रहे हैं। किरमिरा ब्लॉक में कल सरपंच पद के लिए 14 उम्मीदवार और समिति सदस्य पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपना नाम नामांकन किया। पूरे राज्य में पोल कोड लागू होने के बाद झारसुड़ा सरभाल स्थित बिजली सरकार के सारे होर्डिंग्स के ऊपर झारसुड़ा प्रशासन के द्वारा पर्दा लगाया जा रहा है। श्री जगदम्बा ज्वेलर्स एन एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी eye-catching designs with 100% purity guaranteed. Get attractive discounts on making charges of gold and silver ornaments. Visit our store today. Sri Jagdamba Jewelers, Main Road, Jharsuguda. We are also available for you in Sai Bihar Road, Sundargarh.